छत्तीसगढ़ व्यापम में आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, शिक्षकों के जो है 26,989 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने खुद ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट कर दिया है, 26,989 भर्ती जो है होने वाला है छत्तीसगढ़ में जो है एक बार फिर से शिक्षकों के। तो जो भी स्टूडेंट जिनका सपना है, जिनका ड्रीम्स है, जिनका लक्ष्य है, जो है अपने लक्ष्य को अचीव करो शिक्षक बनने का। अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 12,489 पोस्ट में, वो 26,989 शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, तो डेफिनेटली इसमें आपको सफलताएं डेफिनेटली है कि इसमें आपको कामयाबी जो है मिल पाएगा। क्योंकि कामयाबी के सपने देखो, सपने जो है सच होते हैं। जो लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धर रख कर बैठे रहते हैं ना, उनके ड्रीम्स, उनके सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाते। क्योंकि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपके भी ऐसे सपने हैं, आपके भी अंदर अगर वो चिंगारी है, तलब हैं आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, एक अच्छा सैलरी के लिए, सपने देखो ना और पैसे देखो कि यार हमें गवर्नमेंट जॉब में 20,000-25,000 रुपये सैलरी मिलेगा, तो क्या आपके जेब में भी पैसे हैं? अभी आपके जेब में 100-200 रुपये भी नहीं होंगे। अगर पैसे भी होंगे, 5,000 होंगे या 10,000, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि वो पैसे आपके नहीं, आपके माँ बाप के पैसे। जो लोग अपने माँ बाप के पैसों पर घमंड करते हैं, जिन्हें लगता है कि यार मेरे पास पैसे, वो आपके पैसे नहीं है। खुद के दम पर अगर 100 रुपये कमा कर दिखाओ, तब बोलना कि आपके पैसे। तो आप लोगों के लिए मौका 26,989 शिक्षकों की भर्ती। और ये चीज़ें अपने जहन से हटा दो कि यार कौन इंटेलिजेंट है, कौन कितना ज़्यादा पढ़ाई करता है, कौन ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कौन टॉपर है, किसका 90% आए, किसका 99% आए, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको बस अपने आप पर जो है बिलीव करना, खुद के ऊपर भरोसा रखना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे मेहनत करना, मुझे हार्डवर्क करना, और मुझे तब तक नहीं रुकना जब तक कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ना मिल जाए। जब तक मैं शिक्षक ना बन जाऊँ, तब तक मुझे मेहनत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना। अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख लो, गायब हो जाओ पूरी दुनिया से 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी इतने अच्छे से करो कि फाड़ कर रख दो, और आप जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई क्रैक कर लोगे। और बस ऐसे ही बैठे रहोगे अपने दोस्तों यारों के साथ, गप्पे लड़ाते बैठे रहोगे, बस पान ठेला चाय की टपरी पर, बस ये सोच रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा। इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर रहा है, उसका ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो गए, उसका इतना परसेंट आया गया। बस एक दूसरे की चाली चुगली करते रहोगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी ऐसे ही बीत जाएगा। और एक समय के बाद जब आपका एज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे, आपका आयु सीमा भी उस गवर्नमेंट जॉब के लिए पार हो जाएगा, उस टाइम आपको रियलाइज़ होगा, उस टाइम आपको अफसोस होगा कि काश यार हमने पहले पढ़ाई कर लिया होता, काश यार हमने पहले कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लिया होता, तो आज जितने प्रॉब्लम, जितने परेशानी हम फेस कर रहे हैं, उतने परेशानी, उतने प्रॉब्लम जो है फेस करना नहीं पड़ता। एक समय के बाद आपको ये चीज़ें जो है रियलाइज़ होगा, लेकिन वो उस टाइम रियलाइज़ होगा, अफसोस होगा, तो अफसोस करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। उस समय तो क्या होगा, उस समय तो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया रहेगा, आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय। इसलिए जो समय है उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। सभी लोग बोलते हैं ना, हर एक की बातें आप सुनना, वो लोग बोलेंगे कि समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम इज़ द मनी, लेकिन आपको तो लगता है कि यार ये फालतू का ज्ञान दे रहा है, बस ये चीज़ दे रहा है ना। जब सच को ये, इसीलिए तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसी वजह से तो आपको कामयाबी नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप जो है सच जो है रूबरू होना नहीं चाहते, आप जो है सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको अगर कोई झूठ बोल दे, आपको कोई फॉलो दे, या आपके बारे में कोई झूठा तारीफ़ कर दे, वो चीज़ें आपको पसंद है, लेकिन जो सच फैक्ट बताए ना, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं है। जितना जल्दी हो सके सच को अपना लो। और ये 26,989 पोस्ट आपकी ज़िंदगी के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब आ जाता है, उसके बाद चुनावी साल है। इस वजह से आप सभी के लिए इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स, इतने ज़्यादा भर्तियां निकल कर आ रहे हैं। अगर चुनावी साल नहीं होता तो किसी भी तरह से आप जो है नौकरी की उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि भर्ती आएंगी या फिर नहीं आएंगी, आने वाला ही नहीं था। लेकिन चुनावी मौसम, चुनावी साल होने की वजह से आप सभी के लिए इतने ज़्यादा भर्तियाँ, इतने ज़्यादा वैकेंसीज जो है निकल कर आ रहे हैं। अगर हम बात करें 26,989 शिक्षकों की भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन होना होगा आपका ग्रेजुएशन, आपका स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए, कंपलसरी है, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक है तो आप जो है बिल्कुल एलिजिबल हो, आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हो।
और साथ में आपका टेट एग्ज़ाम भी होना चाहिए। टेट मतलब कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे आपने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हो या फिर आपने सी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हो, तो दोनों में से कोई एक टेट एग्ज़ाम अगर आपका क्वालिफाई हो चुका है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, डेफिनेटली आप इसके लिए आई कैपेबल हो, डेफिनेटली आप इसके लिए आवेदन जो है कर पाएंगे। तो 26,989 पोस्ट जो है हर एक महीने में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस सपने मत, मैं तो यही बोलता हूँ, सपने देखने में कोई पैसा लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो बस आप अपने आप के लिए एक साल क्यों नहीं देना चाहते, 6 महीने खुद के लिए क्यों नहीं देना चाहते? अगर 6 महीने अगर आप खुद के लिए दे दोगे ना, खुद के लिए मेहनत करना सीख लोगे, तो तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा, एक अच्छा सैलरी मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, आपके पास सभी चीज़ें सोर्सेस होगा, जिस भी चीज़ को आप ख़रीदना चाहते हैं उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं, आप जो है घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आप अभी अगर कर रहे होगे, घूमोगे फिरोगे, फालतू की आवारागर्दी करोगे, तो इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। यही तो होता है आपके पतन का कारण, जिसके वजह से आपको फिर कामयाबी नहीं मिल पाता। इसलिए ज़िंदगी आपकी है जनाब, किसी और के नहीं। मैं बताना चाहता हूँ आपको जो सच रियलिटी, आपके जो सच्चे दोस्त यार मित्र होंगे ना, जिसे आप अपना पर्सनल एकदम से बेस्ट फ्रेंड समझते होंगे, वो भी नहीं चाहते कि तुम्हें कामयाबी मिले, वो भी नहीं चाहते कि तुम्हें सक्सेस मिले। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो लोग हमारी कामयाबी के पहले दुआ करते थे, जो लोग हमारी पहले कामयाबी की दुआ करते थे कि ये कामयाब हो जाए, इसे सफलता मिल जाए, आज वही लोग हमारी कामयाबी से चलते हैं। ये चीज़ है। तो जो लोग आपका पहले बोलते थे ना कि साथ देंगे, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो वही लोग आपसे फिर जलने की कोशिश करते हैं, आपसे जलने लगते हैं, आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। क्योंकि मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ और इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि यार किसी से जलो मत, जलने से क्या होगा, मेहनत करो, आगे बढ़ो, आज नहीं तो कल तुम्हारे सपने, आज नहीं तो कल तुम्हारे ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे, तुम्हारे ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे, जो तुमने बीज बोए हैं ना सफलता को प्राप्त करने के लिए, मेहनत करने के लिए, वो एक दिन तुम्हें कामयाबी ज़रूर दिलाएगा। बस मेहनत करना, हार बस मत मानना। ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पर, चाहे आपके लाइफ में कितने भी ज़्यादा प्रॉब्लम, सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके ज़िंदगी में लग रहा हो, और आपको फिर एक समय के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि यार अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, उस टाइम भी आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना है, उस टाइम भी अपने आप को विश्वास दिलाना है कि यार तू कुछ कर सकता है, तू अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और ये 26,989 पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप वीडियोस पसंद आया हो। मेरा मकसद आप लोगों को जगाना है, मेरा मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना। बहुत से लोग होते हैं जो खाली ये बोलेंगे कि ये फालतू का वीडियोस बनाता है, फालतू का ज्ञान देने लगता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो जिनको आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, अगर मेरे बात से एक लोगों की भी अगर ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, एक लोगों की अगर भी ज़िंदगी बदल जाए ना, तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो गया। वही काफ़ी लोग ये भी कमेंट करेंगे कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सो आई होप वीडियोस पसंद आए हो, शेयर ज़रूर करना।